रोज उराउं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय के अंतर्गत सिकंदर लोदी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। लोदी वंशीय शासन का संस्थापक बहलोल लोदी था। 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कुछ अमीर बहलोल के छोटे पुत्र निजाम खां को सुल्तान बनाना चाहते थे, किंतु अन्य उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। निजाम खां के विरोधी अमीर बहलोल के बड़े पुत्र बारबक शाह को सुल्तान बनाना चाहते थे, जो उस समय जौनपुर का सूबेदार था। अंत में निजाम खां को सफलता मिली। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी एक योग्य व्यक्ति था। सुल्तान बनने के पश्चात विरासत में प्राप्त विशाल साम्राज्य को संगठित और शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। जिस समय सिकंदर लोदी सिंहासन पर आसीन हुआ, उसके सामने अनेक समस्याएं थीं। वह अपने भाई बारबक शाह और उनके सहयोगी अमीरों के विरोध के उपरांत सुल्तान बना था, इसलिए उनका दमन करना आवश्यक था। बारबक शाह, जो जौनपुर का सूबेदार था, उसकी शक्ति छीन करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि वह दिल्ली पर अधिकार करने के लिए निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। इसके अलावा अनेक अन्य राज्य भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें ऐसा करने से रोकना भी सिकंदर के लिए आवश्यक था। इन सारी समस्याओं के समाधान के साथ साथ सबसे प्रमुख समस्या रिक्त राजकोष की थी। अब चर्चा करते हैं सिकंदर लोदी की गृह नीति की। सिकंदर लोदी ने गृह नीति के अंतर्गत अनेक कार्य कर अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम उसने अपने विरुद्ध विद्रोहों का दमन किया। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विद्रोहियों व विद्रोहों का दमन करना आवश्यक था। इस क्रम में सबसे पहले अपने चाचा आलम खां, जो रापड़ी तथा चंदावर का सूबेदार था और वह सुल्तान बनने का स्वप्न देख रहा था, पर आक्रमण किया। आलम खां भागने पर विवश हुआ और उसने अपने चचेरे भाई ईसा खां के यहाँ शरण ली। ईसा खां भी सिकंदर का विरोधी था। सिकंदर ने कूटनीति का पालन करते हुए आलम खां से मित्रता कर ली और उसे इटावा का सूबेदार बना दिया। इसके पश्चात सिकंदर ने ईसा खां पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया। सिकंदर ने अपने चचेरे भाई कालपी के सूबेदार हुमायूं पर भी आक्रमण किया और उसे पराजित किया। अंत में उसने एक अन्य विरोधी तातार खां को भी पराजित किया। इस प्रकार उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों और विरोधियों का दमन कर शासन को सुदृढ़ता प्रदान की। उसका दूसरा कार्य था जौनपुर में विद्रोहों का दमन करना। सिकंदर लोदी अत्यंत योग्य व सुलझा हुआ व्यक्ति था। जौनपुर का सूबेदार उसका भाई बारबक शाह था। सुल्तान बनने के पश्चात सिकंदर उससे मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहता था, इसलिए अपना एक दूत भेजकर उससे यह कहलवाया कि वह दिखावे के लिए दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ले और स्वतंत्रता पूर्वक शासन करे। किंतु बारबक शाह ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बारबक शाह स्वयं सुल्तान बनने के लिए अपनी सेना को संगठित कर रहा था, इसलिए वह समझौता करना नहीं चाहता था। बारबक ने शीघ्र दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, किंतु कन्नौज के समीप सिकंदर ने उसे परास्त किया। सिकंदर ने अपनी उदारता दिखाते हुए बारबक को फिर से जौनपुर राज्य का सूबेदार नियुक्त कर दिया। साथ ही बारबक पर नजर रखने के लिए गुप्तचर भी नियुक्त किया। कालांतर में जौनपुर के कुछ अमीरों ने हुसैन शाह के नेतृत्व में विद्रोह किया, जिसे बारबक शाह दबा नहीं सका और भागने को विवश हुआ।
सूचना मिलने पर सिकंदर लोदी ने इस विद्रोह का दमन कर बारबक को पुनः सूबेदार बनाया, किंतु कुछ समय पश्चात जौनपुर में हिंदू सरदारों ने विद्रोह कर दिया। बारबक शाह पुनः भाग गया। सिकंदर लोदी ने इस विद्रोह का दमन किया और बारबक की अयोग्यता से नाराज होकर उसे बंदी बना लिया। तीसरा कार्य, उन्होंने अमीरों पर कठोरता अपनाकर उनकी शक्ति को कम करने का प्रयास किया। सिकंदर लोदी अनुशासनहीन अफगान अमीरों को अनुशासन प्रिय बनाना चाहता था। उसने इस कार्य में गुप्तचरों की सहायता ली। गुप्तचरों की सहायता से उसने हरेक अमीर की गतिविधियों की जानकारी लेनी शुरू कर दी। गुप्तचर व्यवस्था की उच्च क्षमता के कारण लोग उसमें दैवीय प्रतिभा का होना समझते थे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उसने कठोर नीति अपनाई। उसने सूबेदारों और अन्य अमीरों के हिसाब की जांच करवाई और दोषी पाए जाने पर उन्हें कठोर दंड दिया। उसने अपने मुख्य अमीर मुबारक खां को भी गबन किए जाने पर दंडित किया। सिकंदर ने अमीरों के सुल्तान के प्रति व्यवहार को भी सुधारा और उन्हें सुल्तान का सम्मान करने पर विवश किया। उसने षड्यंत्रकारियों को कठोर दंड दिए। इस प्रकार अमीरों पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो गया। अमीरों की अपने प्रति निष्ठा बढ़ाने के लिए उसने उन्हें खाने जहां और खान खाना जैसी उपाधियां भी प्रदान की। अब चर्चा करते हैं सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति की। सिकंदर लोदी कट्टर मुसलमान था। उसने अलाउद्दीन और फिरोज तुगलक के समान हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई। बोधन नामक एक हिंदू व्यक्ति को उसने सिर्फ यह कहने पर मृत्यु दंड की सजा दी कि हिंदू धर्म इस्लाम के समान ही सच्चा है। उसने अनेक मंदिरों को तोड़ डाला और मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने थानेश्वर के पवित्र तालाब में हिंदुओं को स्नान करने पर रोक लगा दी। हिंदुओं की दाढ़ी बनाने से नाइयों तक को उसने रोका। हिंदुओं से कर भी अत्यंत कठोरता से वसूल किए। अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनाया। उसकी आज्ञा का पालन न करने पर दंड दिया जाता था। उसने हिंदुओं के अलावा शिया मुसलमानों पर भी अत्यधिक प्रतिबंध लगाए और उन पर अत्याचार किया। इस प्रकार एक योग्य शासक होते हुए भी उसने एक विशाल जनसमूह को अपना विरोधी बना लिया। अब चर्चा करते हैं सिकंदर की साम्राज्यवादी नीति की। सिकंदर लोदी अत्यंत महत्वाकांक्षी था। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उपरांत उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। उसने सबसे पहले बिहार पर विजय करने की योजना बनाई। बिहार में उस समय हुसैन शाह रह रहा था, जो समय समय पर जौनपुर में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करवाता था। सिकंदर हुसैन शाह की शक्ति का दमन करना चाहता था। 1494 ईस्वी में सिकंदर ने विद्रोहियों के नेता फाफा मऊ के भील राजा पर आक्रमण किया, किंतु इस युद्ध में उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। इस अवसर का लाभ उठाकर हुसैन शाह ने एक शक्तिशाली सेना के साथ बिहार से प्रस्थान किया, किंतु सिकंदर ने आगे बढ़ते हुए बनारस के समीप उसका सामना किया और उसे पराजित किया। हुसैन शाह परास्त होने पर बिहार भागा, किंतु सिकंदर ने उसका पीछा किया और बिहार के विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। बिहार के अभियान के समय ही उसने तिरहुत पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की और वहां के राजा को कर देने के लिए विवश किया। बिहार के बाद बंगाल की ओर सिकंदर ने ध्यान दिया। बंगाल में अलाउद्दीन शासन कर रहा था। वह बिहार के हुसैन शाह को अपना सूबेदार मानता था। बिहार पर सिकंदर की विजय की खबर से वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने पुत्र दीनियाल को सिकंदर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजा। दोनों पक्षों में युद्ध से पहले ही समझौता हो गया। दोनों ने एक दूसरे के विरोधियों को शरण ना देने का वचन दिया। इस प्रकार सिकंदर के राज्य की सीमाएं बंगाल तक
विस्तृत हो गई। इसके बाद सिकंदर ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु धौलपुर पर आक्रमण किया। धौलपुर के राजा विनायक देव ने सिकंदर से जमकर संघर्ष किया, किंतु अंततः 1502 ईस्वी में सिकंदर का धौलपुर पर अधिकार हो गया। इसके पश्चात उसने ग्वालियर पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। इसी उद्देश्य से 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की और उसे अपनी सैनिक छावनी बनाया। ग्वालियर पर वह अधिकार नहीं कर सका, परंतु उसके समीप क्षेत्रों चंदेरी और नरवर पर उसका अधिकार हो गया। सिकंदर ने नागौर पर भी आक्रमण किया। नागौर के शासक मोहम्मद खान ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार अनेक विजयों द्वारा उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 21 नवंबर 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी एक योग्य एवं पराक्रमी शासक था। उसने दिल्ली सल्तनत को संगठित किया तथा सुल्तान के पद के सम्मान में उसने वृद्धि की। उसने कठोरता से अमीरों के विद्रोहों का दमन किया, लेकिन विवेकपूर्ण नीति से उसने उनकी निष्ठा और समर्थन भी प्राप्त किया। कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में भी सिकंदर लोदी का योगदान नगण्य नहीं था। उसे विद्वानों की संगत पसंद थी। उसने लेखकों, कलाकारों, कवियों इत्यादि को संरक्षण प्रदान किया। वह स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। योग्य होने के पश्चात भी उसने जिस धार्मिक नीति का पालन किया, उसने उसके यश को कम कर दिया। हिंदुओं और शिया मुसलमानों के प्रति अत्यधिक कठोर नीति अपनाना उसकी भूल थी। प्रोफेसर एस आर शर्मा ने उसके बारे में लिखा है कि अपनी धार्मिक कट्टरता के अतिरिक्त सिकंदर एक अच्छा तथा योग्य शासक था। तो ये थी सिकंदर की उपलब्धियों के बारे में जानकारी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। घर में रहें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।